हेलो स्टूडेंट, चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने आपको डिस्कस किए कर दिए थे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आई एम डिस्कसिंग अगेन, आई एम रिवाइंडिंग द चैप्टर सो दैट यू कैन जस्ट इन शॉर्ट सो दैट यू कैन रिवाइंड द होल कॉन्सेप्ट क्लियरली। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में क्या देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने क्या देखा, इनकी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की बात करी, सोनरस प्रॉपर्टी है, हार्डनेस उनमें है। ठीक है, हार्डनेस होते हैं, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, कौन सी स्टेट में, ये सब हमने डिस्कस कर रखे थे। नाउ आई एम रिपीटिंग जस्ट इन शॉर्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द चैप्टर टूडे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स कि व्हेन आयरन इज एक्सपोज इन द एयर, लॉन्ग एक्सपोज की जाती है इन द मॉइस्ट एयर, एक मॉइस्ट एयर में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी वाटर वेपर और ऑक्सीजन। हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी होती है, वाटर वेपर्स की अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर वेपर्स अगर होती है, इट मीन्स की वाटर वेपर रेनी सीजन में ज्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेज होते हैं आपके रेनी सीजन में रस्टिंग के होते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग विच रस्ट इज फॉर्म, तो रस्ट इट इज अंग, एक जंग होती है जिसको जो कि आपकी जो उस पर एक ब्राउनिश लेयर जो आ जाती है उसके ऊपर, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एन एक्टिविटी बाय बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। तो जैसे फुलझड़ी क्रैकर आप जलाते हैं तो उसमें एक स्पार्कलिंग साउंड निकलती है, ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से स्पार्कलिंग जो है निकलती है, तेज रोशनी निकलती है। एंड जो जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं तो वो बर्न होकर पूरी राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो वो व्हाइट कलर की ऐश बनाता है, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यू हैड लर्न दैट इन द बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है, ऑक्साइड बनते हैं, यानी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। देखो यहाँ दो एग्जांपल डिस्कस किए गए, एक तो वो कह रहा है कि मैग्नीशियम को रिबन कर रहे हैं, मैग्नीशियम का रिबन जो है वो बर्न कर रहे हैं एयर में, ये रैपिड बर्निंग है कि जब हम मैग्नीशियम तुरंत जल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आयरन है, आयरन बहुत बर्न नहीं कर रहा है इसको, लेकिन आयरन धीरे धीरे हमारी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये स्लो बर्निंग है, बहुत ज्यादा ग्रेजुअल स्लो बर्निंग है, बर्निंग नॉर्मली हम कर नहीं रहे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, आपका जो आयरन है वो स्लोली रिएक्ट करता है विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और एंड फॉर्म ऑक्साइड लेयर ओवर इट। सो वी कैन से कि मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड। दोनों में ही बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन से, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, जबकि मैग्नीशियम की रिबन एक फास्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, बर्निंग एंड इन द बोथ केसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद द वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं उनसे भी रिएक्ट करता है एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनाता है, दैट इज द रस्ट, एक रस्ट जो होती है ब्राउन कलर की, जो एक लेयर होती है वो डिपॉजिट हो जाती है आयरन के ऊपर, दैट रिड्यूस द एफिशियंसी ऑफ आयरन ऑल्सो एंड मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों केस में आप देखिए, मान लो मैंने मैग्नीशियम का एक रिबन और उसको जैसे फुलझड़ी जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया तो एक राख बन जाएगी। अब उस राख को मैंने पानी में डिजोल्व किया, वो जो राख बनी है, जो एश बनी है, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं उस एश को, ठीक है समझ रहे हैं, अगर मैं उस एश को पानी में डिजोल्व करती हूँ, बहुत ज्यादा हाईली डिजोल्व नहीं होती है लेकिन स्लाइटली डिजोल्व है, तो अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो अब उसके अंदर, तो वो जो पानी से रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इट मींस कि इट इज द बेसिक सॉल्यूशन, पानी से रिएक्ट करके वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, देन व्हेन वी पुट द रेड लिटमस इट टर्न इनटू ब्लू। सो वी कैन से इट इज बेसिक नेचर, तो हम कह सकते हैं कि बेसिक नेचर का है। तो यहां पर एक एक्टिविटी की बात कर रही है, एक्टिविटी इसने क्या डिस्कस करी है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख थी, एश थी, हमने उसको पानी में डिजोल्व किया, सीधा यहां पर इसने एक रस्टेड ऑब्जेक्ट लिया है जिसके ऊपर बहुत सारी जंग लगी हुई है, तो उसकी जो जंग है यानी जो रस्ट है उसका पाउडर ले लिया और उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं है लेकिन हाँ वो बेसिक सॉल्यूशन से तैयार होगा और उसमें आप लिटमस डालेंगे, ये लिटमस की स्ट्रिप है। इट मींस कि व्हेन जो रस्ट है
देन आयरन ऑक्साइड जो रस्ट है दैट इज द आयरन ऑक्साइड, याद रखेंगे रस्ट इज द आयरन ऑक्साइड, ठीक है. सो इट इज बेसिक इन नेचर. तो जब हम आयरन ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं सो इट मीन्स इट फॉर्म द बेसिक सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन एंड देन फॉर्म द इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. तो इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड वाटर. यानी जब एक लोहे की चीज को हम मॉइस्चर में रख देते हैं लॉन्ग टाइम तक तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है. थोड़ा सा वो पाउडर ले लिया एंड डिजोल्व इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम अमाउंट में पानी के अंदर डिजोल्व किया है, बहुत स्लाइटली डिजोल्व होगी. यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, बहुत ज्यादा हाईली डिजोल्व नहीं, सस्पेंड रहते हैं उसके पार्टिकल रस्ट के. शेक द सस्पेंशन वेल एंड देन टेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. उसको टेस्ट किया तो हमने क्या देखा, कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस का चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस से ब्लू हो गया. इट मीन्स कि इफ इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन. सो वी कैन से जो रस्ट है, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड दैट इज बेसिक इन नेचर. और हम ये कह सकते हैं कि जो रस्ट होती है वो कैसी नेचर की होती है, बेसिक. तो देख रहे हैं ये एक्टिविटीज ने की, इसने थोड़ा सा रस्टिंग रस्टेड पाउडर है जो वो इसमें डिजोल्व कर रखा है पानी में, थोड़ा सा इसका सस्पेंशन ले लिया और इसमें पानी में लिटमस डालकर देखा, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू हो जाता है. तो इस टाइप से आपको रस्ट का पता चलता है कि रस्ट कौन सी नेचर की होती है. नेक्स्ट है आपके पास, बात कर रहे हैं नेक्स्ट है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड. कॉपर भी जैसे रस्टिंग होती है, आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल. इसने कहा कि जैसे आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जस्ट लाइक सिमिलरली कॉपर ऑल्सो शो द कोरोजियन. मैंने आपको बताया भी था कोरोजियन प्रोसेस होता है, कोरोजियन इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल बाय द सर्टेन बाय द सम एटमोस्फेरिक गैसेस. की हमारे एटमोस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनकी वजह से स्लो रिएक्शन होती है, धीरे धीरे मेटल की एफिशियंसी कम हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजियन, ठीक है. तो जस्ट लाइक कॉपर, कॉपर ऑल्सो रिएक्ट विद द मॉइस्चर, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म अ ग्रीनिश अपियरेंस, उसके ऊपर ग्रीनिश अपियरेंस आ जाती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन ऑफ कॉपर, जस्ट लाइक द कोरोजन ऑफ आयरन. वेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज इन द मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, बताया था, वेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज इन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम इट रिक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, अ ग्रीन कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है. द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और वी कैन से दिस ग्रीन कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं, या इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3. द फॉलोइंग रिएक्शन इज दैट, ठीक है. तो ये इसकी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन. तो हाँ, यानी कॉपर जो है, कॉपर की कोरोजियन में एक ग्रीन कलर की अपियरेंस आती है, ग्रीन कलर की मिक्सचर लेयर फॉर्म होती है, थिन लेयर फॉर्म होती है, और ब्राउन, और जो आपकी आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. दिस इज द आयरन ऑक्साइड. किसकी होती है वो, आयरन ऑक्साइड. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द एश ऑब्टेन ऑन अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिटी. को बेसिक सेम एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जो एश बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, देन डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व करेगी, स्लाइटली डिजोल्व है, एंड टेस्ट बाय द लिटमस पेपर इफ इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो इट इज बेसिक इन नेचर, सो वी कैन से मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. इज अ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. हाउ डू यू एसरशेन दिस? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. इट मीन्स की मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर. इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. इसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बताई थी कि हाँ, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. सो वी कैन से दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सभी मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द मेटल. लाइक आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से हैं मेटल के ऑक्साइड, जिंक आपके मेटल के ऑक्साइड मैंने आपको बताए थे, एल्यूमिनियम एंड जिंक. दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स. कैसे होते हैं ये? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं ये, ठीक है. दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. तो सो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर. सो वी कैन से कि लेट अस ऑब्जर्व द रिएक्शन नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट रिएक्शन के नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की, ठीक है. नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन मैंने आपको बता रखी है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं. ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपके एसिडिक नेचर के और एक होता है न्यूट्रल नेचर के. दोनों फॉर्म करता है, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर, ज्यादातर एसिडिक होते हैं. जैसे न्यूट्रल में आता है पानी, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, वाटर हो गया, एक हो गया कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. दीज आर न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद द
एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. इट मीन्स दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस. लिटमस का कलर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना रेड को ब्लू करते हैं और ना ही ब्लू को रेड करते हैं. दूसरी बात ये हुई कि एसिडिक अगर ऑक्साइड है, ऑब्वियसली कि अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो उन दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रल हो जाता है और क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो इट मीन्स कि इट कैन रिएक्ट विद द बेस, एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. क्या बना सकता है वो, सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा. ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 4.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट. एक टेढ़ी चम्मच है, मुड़ी हुई चम्मच है, देखेंगे इस टाइप की चम्मच है, स्पून है, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, इसमें थोड़ा सा सल्फर पाउडर, येलो कलर का सल्फर पाउडर इसमें ले लिया. यू मे टेक अ मेटलिक कैप एंड बॉटल एंड ब्रैप ए मेटलिक वायर अराउंड इट एंड शेप इट सून. जस्ट लाइक अगर आपके पास ये नहीं है तो इस टाइप से ढक्कन के ऊपर एक कैप ले लिया मेटल का और इसके ऊपर इस तार को ले लिया टेढ़ा करके, तो ऐसे भी काम चला सकते हैं. आगे नेक्स्ट, एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, सल्फर को बर्न करेंगे, जैसे ही सल्फर बर्न करेंगे देन पुट इन द गैस जार, एक गैस जार है एंड क्लोज द लिड, इसकी जो लिड है उसको क्लोज कर देंगे ऊपर से, देन कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. इसलिए क्लोज करें ताकि जो गैस बने, धुआं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकले. ठीक है, जब वो पूरा जल जाएगा आपको लगेगा इसके अंदर पूरा धुआं भर गया है. अब आप क्या करेंगे, ड्रॉपर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. ठीक है, तो जो गैस है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी एंड देन फॉर्म द एक्वासोल, सॉरी एंड देन फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन. क्या बन जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन. देखिए, एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड एंड शेक द टम्बलर वेल. उसको अच्छे से शेक करेंगे, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, यानी अब वो एसिडिक सॉल्यूशन बन गया. देखिए, पानी में जब कंडेंस हो जाएगी गैस तो आपका क्या बन गया, एसिडिक सॉल्यूशन. अब उसको आप ब्लू लिटमस और रेड लिटमस डाल कर देखते हैं तो क्या देखेंगे, क्योंकि वो एसिडिक ऑक्साइड है, इसको वी कैन से कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर. अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो एसिडिक नेचर का है. ठीक है, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, सपोज दैट कोई चेंज ही नहीं करा, ना रेड को ब्लू कर रहा है ना ब्लू को रेड कर रहा है, इट मीन्स इट इज कैसा ऑक्साइड है, इट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर. और वो ऑक्साइड कैसा माना जाएगा, न्यूट्रल इन नेचर. नेक्स्ट आगे देखते हैं, समझ रहे बात, तो आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पे पूछा है इसने टेबल में, देखते हैं क्या पूछा है. मेटल्स एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस, इनमें कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, आपको पता नेम ऑफ द बेस बताया है. जैसे इसने तो इसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम. ऐसे नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें नॉन मेटल है सल्फर. तो ऐसे नेक्स्ट है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो यानी जब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड. यानी अगर वो सल्फर को बर्न कर रही है तो जो धुआं निकले वो किस गैस का है, सल्फर डाइऑक्साइड का. देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपने देखा कि जब आपने सल्फर को इसके अंदर बर्न किया तो उसमें जो धुआं निकलेगा, यानी सल्फर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज द SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, यानी व्हेन वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द वाटर इन द गैस जार, देन इट फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन. एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, सो इट मींस इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. यहाँ पर देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में पानी डिसॉल्व करेंगे, सो वी कैन से इट फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. दिस एसिड बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सो वी कैन से इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, सो वी कैन से ऑक्साइड और नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर. हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के. ठीक है, रिकॉल द नेम ऑफ द सम लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7, नोट डाउन देयर नेम्स एंड आइडेंटिफाई द नॉन मेटल्स मेटल प्रेजेंट देम विच फॉर्म ऑक्साइड एंड विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. यानी आपको उसमें अलग अलग कुछ नाम बताने हैं जो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, नोट डाउन देयर नेम्स. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर पानी के साथ करानी है, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल आपको मैंने बताया था कि जब एक मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है, पानी की तीन कंडीशन से रिएक्शन करता है, वो कोल्ड से भी, हॉट वेट से भी और स्ट्रीम से भी. तो आपके सोडियम पोटेशियम तो बहुत ज्यादा हाई रेटिव है तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो वी कैप्ट हाई विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, देन दे फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड लिबरेट हाइड्रोजन. बट इन द केस ऑफ अगर हम जाए मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन अगर मैं ज्यादा बात करूँ स्टीम से करने वाले कुछ मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये सब स्टीम से करते हैं और स्टीम से करने पर बनते हैं ऑक्साइड्स बनते हैं एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन. केवल ये याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताइए, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है सो दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन ओनली, सो दे कैन रिएक्ट विद द वाटर. अदरवाइज द मेटल्स दैट आर बिलो इन द सीरीज विच डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बिकॉज दे आर इन पोजिशन बिलो देन हाइड्रोजन द सीरीज, क्योंकि उनकी पोजिशन सीरीज में नीचे है. रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दे रखी है,
ठीक है. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव एंड इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों से रिएक्ट कर सकता है. ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन इज देयर फॉर स्टोर इन केरोसिन. तो क्योंकि बहुत जल्दी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है इमीडिएटली रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट, सो वी कैप्ट इन द केरोसिन. इसलिए प्रोटेक्शन के लिए उसको केरोसिन में रखते हैं बिकॉज केरोसिन कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सो वी कैन से कि जो सोडियम है डज नॉट मेक कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना पाता, सो वी इट इज प्रिवेंटेड इन द केरोसिन. ठीक है, तो अब इसके लिए एक्टिविटी एक बार देखते हैं क्या कहता है ये. ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर बीकर ग्लास फिल हाफ इट विद वाटर एंड नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर रैप इट स्मॉल पीस ऑफ कॉटन पुट द स्मॉल पीस रैप इन द कॉटन बीकर. यानी इसने क्या किया, लेबोरेटरी से एक पीस लिया सोडियम मेटल का क्योंकि उसको केरोसिन में रखा गया है. ठीक है, तो उसको अपना टेस्ट करने से पहले उसे फिल्टर पेपर से या कॉटन पेपर से अच्छे से पोंछ लेना है ताकि उसमें जो केरोसिन है वो हट जाए और जो है आसानी से वो रिएक्ट कर सके वाटर के साथ. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर व्हाट डू यू फील हैज द बीकर बिकम सॉल्ट टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर. देखिए सीधी सी बात है, इस रिएक्शन में क्या बताया कि आप देखेंगे कि इधर देखेंगे इसमें क्या बताया कि एक बीकर में हमने वॉटर ले लिया और इसमें सोडियम का पीस डाल दिया, सोडियम पीस डाल दिया. ठीक है, सोडियम पीस डाल दिया एक बीकर के अंदर, सोडियम पीस डाल दिया. तो इट मींस इट रिएक्ट, तो क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है सो इट कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. ठीक है, तो आसानी से आपने पानी को गर्म नहीं किया, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट, कोल्ड वाटर मतलब नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर रहा है. तो सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ. ठीक है, वाटर के साथ, वाटर की कंडीशन कैसी है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड का मतलब ठंडा बर्फ नहीं डाली इसमें, नॉर्मल वाटर है, कोल्ड का मतलब ये नॉर्मल वाटर है. ठीक है, इससे रिएक्ट करा रहे हैं. जब हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, मेटल की कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं. तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन लिबरेट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज टॉप ऑन द सीरीज, सबसे ऊपर है सीरीज में, समझ रहे हैं, सबसे ऊपर है टॉप पे. तो आसानी से इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट इजली डिस्प्लेस द हाइड्रोजन. पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है आसानी से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. सो द रिएक्शन विल अकर. तो आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ रिएक्शन होगी इट मीन्स द सोल्यूशन इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि तुरंत आग पकड़ेगा, बर्न होगा एंड देन फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. So it means if we put the red litmus it turns blue, so we can say it the solution is basic in nature. तो आसानी से हम बता सकते हैं कि solution कैसा है, basic nature का. ऐसे आग पकड़ लेगा, देख रहे हैं कितनी सोडियम मेटल डाल देंगे क्योंकि सोडियम इज द हाई रिएक्टिव मेटल, सो इट कैन रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन, बहुत जल्दी इमीडिएटली रिएक्ट करता है. तो आप देखें तुरंत पानी के अंदर डालते ही वो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये याद रखना है कि जब आप लेबोरेटरी में यूज करेंगे तो उसको पहले पोंछ लेंगे, अदरवाइज वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि जब तक उसके ऊपर केरोसिन रहेगा, बिकॉज केरोसिन कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये याद रखना है. नेक्स्ट आगे देखते हैं, यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट विगरसली विद वॉटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वॉटर स्लोली, आयरन पानी से बहुत धीरे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है. ठीक है, तो बहुत धीरे तो ऑक्साइड बनाता है. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वॉटर. तो नॉन मेटल, अब इसमें क्या कहानी कही है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर, नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते. दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, चाहे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो एयर में. यानी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर भी बर्न अप हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे सोडियम को रखते ही तुरंत रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और बर्न हो जाता है. जस्ट लाइक कुछ ऐसे नॉन मेटल भी हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर रखते ही वो बर्न अप हो जाता है, लेकिन पानी में नहीं बर्न रिएक्शन करते हैं. तो हम उनको पानी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम तो रिएक्ट करता है एयर से भी रिएक्ट कर सकता है और वाटर में डालते ही वो बर्न अप हो जाता है. लेकिन नॉन मेटल जो है एयर में तो बर्न अप हो जाते हैं बिकॉज दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव नॉन मेटल, बट दे डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर, पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. रीजन इज बिहाइंड दैट कि ऐसा क्यों है, तो हम उनको किस में रख सकते हैं, पानी में इजी रख सकते हैं. मान लीजिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज सच टाइप ऑफ नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल है फॉस्फोरस विच रिएक्ट विगरसली विद एयर, जो आसानी से किसके साथ रिएक्शन करता है, एयर के साथ. सो वी कैप्ट इन द
वाटर में रखते हैं, क्यों? क्योंकि फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, अगर हम उसको पानी में रखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपको मैंने बताया था हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो लूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिस समय अगर हाइड्रोजन पानी, जब पानी के जो इसमें आयंस बनेंगे, हाइड्रोजन के आयंस, टू पॉजिटिव आयंस बनेंगे, हाइड्रोजन आयंस है, तो इनको क्या, दो हाइड्रोजन के आयन बन गए, ठीक है। तो अब इस केस में इसको दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेटल देता है, तो लेकिन ये तो नॉन मेटल है, तो यहां पर इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, इसलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगी, और यही कारण है कि कोई भी नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करता। सो वी कैन इजिली कैप्ट द फॉस्फोरस सेफली इन द वॉटर, दैट्स वाइट इज यू स्टोर इन द वॉटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर, इट इज एक्सपोज टू एयर, सो प्रिवेंट टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर इन वॉटर, ठीक है। द रीजन इज बिहाइंड दैट आई डिस्कस्ड, रिएक्शन विद एसिड, लेट अस सी हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद एसिड, एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, अब देखें एसिड के साथ रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जब एक मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनते हैं, मेटल सॉल्ट्स बनते हैं, एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन पे मेटल सॉल्ट्स बनते हैं, ये सॉल्ट्स हैं, एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन, कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को लिबरेट करना है तो बात तो फिर वही है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो ही रिएक्शन करते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे लाइक कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। अब वही काम बात है कि अगर मान लो कोई एसिड है उसमें से हाइड्रोजन निकालनी है तो मेटल तो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज कोई भी मेटल जो है नीचे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो वी कैन सी कि द मेटल्स विच ग्लो इन द सीरीज देन हाइड्रोजन, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, सो द रिएक्शन नॉट अकर। तो यहां पर इस केस में जो है यही कारण है कि यहाँ पर क्या नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होंगे, समझ रहे बात। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, अब याद रखना कोई भी अगर एसिड है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड है रिएक्शन, तो मेटल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेशन है तो सॉल्ट का नाम हो गया मेटल सल्फेट बनेगा, समझ रहे बात। और अगर आपका नाइट्रिक एसिड है तो आपका क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट, ठीक है, मेटल नाइट्रेट बनेगा। तो आपके इस टाइप से सॉल्ट बनते हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर रिएक्शन में, देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, आयरन भी कर सकता है, कॉपर नीचे है, चारकोल नॉन मेटल है, ये तीनों ना तो इससे और इससे रिएक्शन नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, हल्का सा आपको क्या करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ये हाई रिएक्ट, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है थोड़ा सा डालने से वो रूम टेम्परेचर पर कर सकता है, लेकिन बाकी के जो मेटल्स हैं आपके नहीं करेंगे इनमें से। तो देखते हैं एक बार क्या कहता है, वेन अ ड्रॉपर ऑफ एड फाइव रिएक्शन केयरफुली इन इफ नो रिएक्शन द कोल्ड सॉल्यूशन वॉर्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। तो वो कह रहा है कि अगर हम ये लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो कहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर हम नॉर्मली इस सॉल्यूशन आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो अगर रिएक्शन नहीं हो रही, नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन नहीं हो रही है आपके कोल्ड टेम्परेचर पर, तो आपको हल्का सा उसको स्लाइटली वार्म अप करना है, ठीक है। जैसे हम वार्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब रिएक्शन निकलेगी तो इन तीनों केस में ये मेटल है तो यानी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट होगी, कॉपर भी मेटल है लेकिन कॉपर तो रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि नीचे हाइड्रोजन से चारकोल और ये आ गए आपके सल्फर, ये तो नॉन मेटल है, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो बात यह कि ब्रिंग ए बर्निंग मैजेस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब हमें लाके देखनी है बर्निंग मैजेस्टिक, तो आपने मैंने बताया था आपको पॉप साउंड क्रिएट होती है, अगर पॉप साउंड क्रिएट हो रही है इट मीन्स लिबरेट हाइड्रोजन, अदरवाइज नॉट। तो ये इस बात हुई इसकी, ठीक है, तो ये ऐसी एक्टिविटी दिखाई गई है, आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, वट कुड द पॉप साउंड इन द सेम केस बी ड्यू टू बीन वेन अ बर्निंग मैजेस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, सो नो पॉप साउंड इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ द चारकोल एंड सल्फर, बट मेटल्स लाइक रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट दे बर्न विद द पॉप साउंड क्रिएट होगी, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग पर भी, यानी आपको अगर कोई एसिड से रिएक्शन करता है तो अगर कोई एसिड से नहीं हो रही है तो आपको देखना है कि उसको गर्म कर लेना ताकि वो रिएक्शन हो जाए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रो इवन ऑन हीटिंग,
बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक. कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग. हीटिंग से रिएक्शन नहीं करता बट इट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से स्लाइटली रिएक्शन करेगा. ठीक है, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस के साथ. नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस. रिएक्शन विद बेस में क्या कहता है कि प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर एंड देन ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट. ब्रिंग ए बर्निंग मैजेस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट. ये एक्टिविटी है कि आपने एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस के साथ है इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ना लिया, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ऐसे छोटे छोटे मतलब क्रिस्टल्स जैसे टाइप्स होते पैलेट्स होते हैं दवाई जैसे टैबलेट्स होती है ना इस टाइप के होते हैं पैलेट्स. तो आपने पानी में डिजोल्व हो जाएंगे वो इजिली जैसे डाइजिन की टैबलेट होती है डिजोल्व हो जाती है इजिली. ऐसे ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट बर्निंग ए मैजेस्टिक अब जब तक केयरफुली. तो अब हमने यहाँ क्या देखेंगे एल्युमिनियम का पीस डाला. यस एल्युमिनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पर. एल्युमिनियम और जिंक ऐसे मेटल है जो कि आसानी से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेस. सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते. तो यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट होगी. यस इंडिकेटर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्योंकि एल्युमिनियम डालने पर रिएक्शन हो रही है इट मीन्स पॉप साउंड क्रिएट हो रही है. सो वी कैन से एल्युमिनियम रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जब एक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस. बट रिएक्शन नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स. नॉन मेटल की बेस के साथ बहुत मुश्किल रिएक्शन है क्योंकि वो होती नहीं है क्योंकि नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है अब. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट आर परफॉर्म इन क्लास 7th. यू लर्न द ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड. अब इसमें क्या क्या है कि अलग अलग देखिए ये ले रखे सॉल्यूशंस. ठीक है, तब आपको देखना है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैंने आपको बताई थी कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सोर्स सॉल्यूशन. रिएक्टिविटी सीरीज में दो मेटल में से जो मेटल ऊपर है वो ताकतवर ज्यादा है नीचे वाले के कंपैरिजन में. तो सोल्ट सॉल्यूशन हमेशा ये याद रखना है वीक वाले का होता है. तो ऑब्वियसली हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो सोल्ट सॉल्यूशन में से वीक वाले को पुश अप कर देगा, धक्का दे देगा और खुद उसकी जगह आगे लग जाएगा. इट मींस कि अगर सोल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, मैंने आपको बताया था अगर मान लो मैं ले लू सी प्लस डी सी, तो डीसी का सोल्ट सॉल्यूशन है सी प्लस डी ई मान लीजिए डी ई. ठीक है, तो यहाँ एक सी पहले आता है डी बाद में आता है. इट मींस सी इज द मोर रिएक्टिव देन डी. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, सी जो है डिस्प्लेस कर देगा तो सी ई बन जाएगा प्लस डी बन जाएगा. इस टाइप से इक्वेशन होगी यानी हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन. सो कंडीशन इज दैट द सॉल्ट सॉल्यूशन जो है शुड बी ऑफ वीक रिएक्टिव वीक मेटल का होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं रिएक्शन कैसी चलती है इसमें. ठीक है, अब आपने ले लिया अलग अलग सॉल्यूशन लिए. देखेंगे टेक 500 ml of beakers and label them A, B, C, D, E. Take about 50 ml of water in each beaker and dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated. Keep the beakers undisturbed for some time. ठीक है, record your observation in this. तो हमने क्या देखा इसमें, देखो A condition में क्या कह रहा है. A condition है पहली एक reaction देखेंगे यहाँ पर. A copper sulfate solution में zinc डाला तो ऑब्वियसली जिंक हाई रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट लो रिएक्टिव है तो रिएक्शन करेगा. ठीक है, रिएक्शन करेगा तो देख रहे हैं क्या बनेगा. कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4. रिएक्शन हो जाएगी, सीधी सी बात है. देखेंगे अब इसको मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ. देखिए हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट है CuSO4 और रिएक्शन कराई Zn की जिंक की. तो Zn is more reactive in comparison to copper. तो जिंक ये इसकी जगह पुट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ZnSO4 बन जाएगा प्लस में क्या बनेगा सल्फेट सॉरी और इसके इसमें कॉपर को रिलीज कर देगा. कॉपर रिलीज हो गया तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी. तो रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दूसरी रिएक्शन कॉपर सल्फेट की आयरन से सेम रिएक्शन है. कॉपर सल्फेट की आयरन से आयरन इज मोर रिएक्टिव इन द सीरीज देन कॉपर सो इजली पुश अप द कॉपर. कॉपर यहाँ से पुशअप कर देगा एंड आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा. समझ रहे बात, आयरन सल्फेट हो गया. यहाँ पर सी में देखते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब यहाँ क्या किया, जिंक सल्फेट लिया. ठीक है, सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है प्लस में कॉपर. कॉपर प्लस जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है ये. ये सॉल्ट सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, सॉल्ट सॉल्यूशन.
आप बताइए, कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन द सीरीज बट जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो नो रिएक्शन अकर बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव. तो यहां से इस पे ताकत ज्यादा है तो यहां से इसको धक्का नहीं दे पाएगा, सो वी कैन से नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द केस. फोर्थ देखते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. फिर वही बात, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. अब यहां पर फिर वही बात, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट का, सॉल्ट सॉल्यूशन है ये, सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया था, सॉल्ट सॉल्यूशन शुड बी ऑफ वीक मेटल्स इन कंपेरिजन टू अदर मेटल. तो यहां पर तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आयरन की पोजीशन ऊपर है, कॉपर की पोजीशन नीचे इन द सीरीज एक्टिविटी सीरीज, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस क्योंकि आयरन इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस. फिर भी देखते हैं, जिंक सल्फेट प्लस आयरन. ठीक है, जिंक सल्फेट. अब यहां देखते हैं, जिंक सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस आयरन. अगर मैं इसकी बात करूं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कहां देखते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन. तो जिंक देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है और आयरन नीचे आता है, तो बता जिंक ज्यादा ताकतवर है. तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्ट सॉल्यूशन तो आयरन इज मोर रिएक्टिव हियर. अगर यहां पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आसानी से इसको क्या कर देगा, पुशअप कर देगा, जिंक को हटा देगा यहां से, समझ रहे बात, जिंक हट जाएगी यहां से. सॉरी यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू जिंक. इन कंपैरिजन टू जिंक वो लेस रिएक्टिव है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, सो वी कैन से नो रिएक्शन हियर. यहाँ पर ऑल्सो कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट. What changes do you observe in the various vehicles? You have read in that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. Aqueous solution का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन aqueous बन जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट का पाउडर हमने पानी में डिजोल्व किया. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजोल्व किया तो वो हमारे aqueous solution बन जाते हैं. इन ए बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर from copper sulfate, that is why blue color of copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. So, हमने क्या देखा, देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है कि जब एक कॉपर जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक जो है यहाँ पे इस रिएक्शन में जिंक जो है बहुत ज्यादा हाई रेट में कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो कॉपर क्या होगा नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा या नीचे बैठ जाएगा. पाउडरी मास कॉपर इज डिपॉजिट. ठीक है, देखिए ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर. पहला मैं शुरू में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था लेकिन वो डिसअपियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा एंड एक रेड कलर का सब्सटेंस नीचे डिपॉजिट होगा बीकर में. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट. ठीक है, ये मैंने आपको समझाई रखी है. यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर बी सिमिलर मैनर जस्ट लाइक एंड सो एंड सो, सारी चलेंगी आपकी. ठीक है, देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी. नहीं, इनमें नहीं हुई. सिंस there could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Iron nahi kar payega. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker E. Sara maine aapko explain kar diya. Since we do not see any change in the beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why, when zinc can replace copper in beaker A, lekin A mein to zinc ne copper ko replace kar diya, because cannot why cannot copper replace zinc? कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक, क्योंकि वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी. वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिटरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स ऑन द फैक्ट एंड द रूल देयर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर अब पोजिशन इन कंपेरिजन टू कॉपर एंड आयरन, सो मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल. फिर वो एक बात आ रहा है कि एक हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, लेकिन लो रिएक्टिव मेटल वाला जो है जिसके पास ताकत कम है वो रिप्लेस नहीं करेगा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द बीकर डी एंड ई ऑल्सो. और यही कारण है कि डी और ई में भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक आयरन और कॉपर. बताएंगे इसमें क्या सीक्वेंस है, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव आपको अरेंज करना है जिंक आयरन और कॉपर में. तो देखेंगे इधर कौन सा सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव जिंक, उससे सबसे ज्यादा जिंक है, फिर आयरन है, आयरन और उसके लास्ट में कॉपर है. ये इनका सीक्वेंस है तीनों का जो इसने पूछा है. ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चैप्टर ओवर कर रही हूँ मैं आज ही. ठीक है, तो कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, चैप्टर फिफ्थ कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन ट्रेन सैटेलाइट्स
इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉडीज, ये सब बनाए जाते हैं। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज ऑफ नॉन मेटल्स, ये सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। तो मैंने आपको बता रखे हैं कि मेटल, ये तो मेटल के यूज होगा कि कुकिंग यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाए, ट्रेन, मशीन, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी मेटल, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। इवन की नॉन मेटल के भी बहुत सारे यूज है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग थिंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीजन, जो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल आर यूज इन फर्टिलाइजर टू नेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आप जानते हैं नॉन मेटल सबसे ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन प्लांट्स को चाहिए, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको बताया था नाइट्रोजन साइकिल में कि नाइट्रोजन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, इट रिक्वायर्स फॉर विटामिन, है ना, प्रोटीन सबका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, क्लोरीनेशन में काम आता है बिकॉज इट किल द हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम द वाटर। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड इन द वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक। एक पर्पल आयोडीन होता है, आयोडीन से एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन आते हैं, पर्पल कलर का, जो एंटीसेप्टिक पर, एंटीसेप्टिक का काम करता है वाउंड्स को लगाने के लिए, घावों पर लगाने के लिए काम आता है। नॉन मेटल्स आर यूज इन लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, आर यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में काम आता है। दे आर सम यूजेज, दीज आर सम यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यू मे एड सम मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। इसके अलावा जरूरी नहीं कि ये इन्होंने दे रखे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से भी और भी लिख सकते हैं कि क्या मेटल के यूज है और क्या मेटल के नॉन मेटल के यूज है, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका चैप्टर, आगे देखते हैं इसमें क्या देता है। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन वॉट फॉर्म इज दैट इट फॉर्म फाउंड इन देम। ये द डॉक्टर्स रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। आयरन कहाँ होता है हमारे ब्लड में होता है आयरन। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, मैग्नीशियम प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम आई हर्ड, आई थिंक अबाउट दैट, बताऊंगी मैं इसको किसने आया। आगे देखते हैं, ये सारा हो गया आपका चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ तक का, ठीक है। मैंने आपको यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स मेटल डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इट इज फाउंड इन देम। मैग्नीशियम प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड में होती है ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या देता है, रेड कलर देता है। देखा होगा आपने ब्लड को रेड कलर मिलता है, ठीक है, तो वो किसी कारण हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड को रेड कलर मिलता है, तो हीमोग्लोबिन का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आयरन, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्लोरोफिल आपने पढ़ा है, एंड क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारे हैं इसमें, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इन क्लास 7 यू हैव लर्न्ड दैट इन केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आप जानते हैं कि क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। नाउ इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। यानी यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, और नए सब्सटेंस को हम दोबारा पुरानी चीजों में रिवर्स नहीं कर सकते। सो द केमिकल रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस, क्या कहलाती है, केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिर हम इन, नाउ इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन, यदि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम दोबारा पीसेस नहीं कर सकते, किसी भी प्रोसेस हम उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, दैट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, दैट इज द एलिमेंट, क्या कहलाती है, एलिमेंट। सल्फर इज एन एलिमेंट, आयरन इज ऑल्सो, कार्बन इज टू एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम, और हर एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम कहलाती है। ये भी आपको मैंने बताया था, किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, ठीक है। एटम का अरेंजमेंट कैसा है उसके आधार पर तीन टाइप के आपके हैं, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की फॉर्म में, ठीक है। अ सैंपल ऑफ एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट वो होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। एटम का कॉम्बिनेशन जो होता है अनएफेक्टेड रहता है, आप कुछ भी चेंज करें वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एक्जैक्टली द सेम एज अ सॉलिड एंड वेपर सल्फर। एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर, ठीक है, जैसे लिक्विड सल्फर है, वुड बी एक्जैक्टली द सेम एज अ एटम ऑफ सॉलिड एंड वेपर सल्फर। चाहे सल्फर वेपर की फॉर्म में हो, चाहे सल्फर आपकी लिक्विड की फॉर्म में, सल्फर तो सल्फर का एटम रहेगा, एस एटम है, ठीक है, किसी फॉर्म में हो। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस इज लिमिटेड। There are no more than 94 natural occurring elements. अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ नेचुरल हैं, आपको मैंने शुरू में बताए थे, और इनमें से जो हैं मैन मेड भी हैं। तो इनमें से 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट में से 94
एलिमेंट्स जो है नेचुरली अकरिंग है, बाकी जो है मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन द टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर एलिमेंट्स को मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को दो टाइप में रखा गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज अलग है, नॉन मेटल्स की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस मेटल एलिमेंट्स भी हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, बहुत ज्यादा एलिमेंट इनमें से मेटल्स हैं। आपको मैंने बताया था कि जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट में से जो है आपके 17 तो कितने हैं, कुछ बताया था मैंने आपको, 20 लेस देन 20 नॉन मेटल्स। ठीक है, लेस देन 20 नॉन मेटल्स हैं, यानी 17 आपको मैंने बताए थे, 8 आपके नॉन मेटल, आपके 8 जो है मेटलॉइड्स हैं। यहाँ पे मैं बताया था मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल की फॉर्म में मेटल हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल, लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, लेस देन 20 मतलब 17 आपको मैंने बताया था कि 17 जो है वो आपके क्या है, लेस देन 20 यानी 17 एलिमेंट्स जो आपके नॉन मेटल की कंडीशन में है। नॉन मेटल में से भी 11 जो है 11 गैसेस स्टेट में है, ठीक है, और एक जो है आपका ब्रोमाइन वो आपके लिक्विड कंडीशन में है, और बाकी 5 आपके कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे 5 जो है आपके सेलेनियम, ये मिला के आप ये जो है सॉलिड कंडीशन में आते हैं आपके, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है नॉन मेटल्स, और 11 गैसेस स्टेट में है। फ्यू आर मेटलॉइड विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जो दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स, क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। इसने ये कहानी यहाँ पर बताई कि ये जो है एलिमेंट का जो है फॉर्मेशन जो है वो सेम रहता है, नंबर पैटर्न जो रहता है उनका सेम रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। देर आर नो मोर देन 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, यानी टोटल 118 एलिमेंट्स है जिनमें से 94 नेचुरल अकरिंग है, और बाकी के रेस्ट आपके ह्यूमन मेड एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात ये होती है कि पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट को तीन कैटेगरी में रखा गया है, आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा ऐसे सब्सटेंस जो मेटलॉइड्स हैं, जो कि ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इस पूरे 118 एलिमेंट्स में 8 मेटलॉइड है टोटल। ठीक, आपके 17 आपके नॉन मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं। 17 नॉन मेटल्स का मतलब हो गया कि 17 में से 11 गैसेस स्टेट में है, 5 सॉलिड स्टेट में है नॉन मेटल्स, ठीक है, और एक आपका ब्रोमाइन जो है आपका वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड की स्टेट में है ब्रोमाइन। ठीक है, ये आपके 17 की हो गई, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल की स्टेट में। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, वी कैन से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। ठीक है, एंड देन डिस्कस द क्वेश्चन लाइक दैट, सम ऑफ द क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग नाउ, फॉर एग्जाम्पल की देखते हैं कि बुक क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इससे क्या गिव रीजन बताइए। एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, इसने कहा कि एल्यूमिनियम फॉइल्स क्यों यूज किया था, बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल मेटल, बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू द वेरी थिन शीट, हम आसानी से इसको बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो इट कैन, अब सिल्वर है, सिल्वर इज हाईली मेलेबल, हम अब सिल्वर तो बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, तो उसको तो खाना रैप करने में यूज नहीं करेंगे, सो यूज एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस, जो पानी को गर्म करने की जो रॉड होती है वो मेटल की क्यों बनाते हैं, बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझ आया बात। कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक, दिस आर द बुक क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, वो कह रहा है कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक, जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर जो है जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता। फिर देखिए बात क्या कहता है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर क्यों डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी कॉपर ये है और जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी मान लो जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है, ये इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन वीक का होना चाहिए, जबकि ये तो मोर रिएक्टिव है, बिकॉज इट इज अपर इन पोजिशन देन कॉपर, सो इट इज द लेस रिएक्टिव, ठीक है, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस जिंक, यही कारण है, सो वी कैन से आंसर इज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू जिंक। ठीक है, सोडियम पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन, बिकॉज दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव, दे रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, सो दे प्रिवेंट इन केरोसिन, बिकॉज केरोसिन कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहां तक हो गया। नेक्स्ट है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, क्या हम लेमन के पिकल को, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में रख सकते हैं, नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का पिकल, देखो सॉरी, क्योंकि नींबू का जो पिकल है यानी उसके अंदर एसिड होता है, एसिड है किसमें, लेमन पिकल में, आपका नींबू का अचार है इसमें एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड आपने एक एल्यूमिनियम के यूटेंसिल बॉटल वगैरह में रख दिया, तो एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम मेटल है, बिकॉज इट रिएक्ट विद द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट बनाएगा, एल्यूमिनियम
सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड देन लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ठीक है, इस सॉल्ट की वजह से आपका जो पिकल है वो टॉक्सिक हो जाएगा. सो वी डू नॉट कैप द लेमन पिकल एंड एल्युमिनियम यूटेंसिल. हमें खट्टी चीजों को किसी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना है. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें मैच द कॉलम क्या है. गोल्ड, गोल्ड क्या है यहाँ पर, किससे मैच हो रहा है, गोल्ड ज्वेलरी में काम आता है. ठीक है, आयरन, लोहा, आयरन क्या बनाता है, मशीनरी, ज्यादा आयरन का यू मशीनरीज वगैरह बनाने में किया जाता है. एल्यूमिनियम रैपिंग फूड्स, खाने को रैप करने में काम आती है. कार्बन एज ए फ्यूल का काम करता है. कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर सो इट इज यूज टू मेक केबल्स. वायर मर्करी थर्मोमीटर में यूज किया है. ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन. ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट के लिए. व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर ऑन ए कॉपर प्लेट. क्या होगा यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पोर करूं कॉपर प्लेट पर. देखिए कॉपर प्लेट पर उसने क्या होगा पूछा है. माना ये एक कॉपर की प्लेट है, इसको क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से. ये कॉपर की प्लेट है, दिस इज द कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट उसने पूछा है, इसमें मैंने डाला कुछ एसिड डाल दिया, दैट इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसने इसमें डाल दिया, तो बताइए व्हाट विल हैपन, क्या होगा. तो देखेंगे कॉपर रिएक्शन करा के देखते हैं. कॉपर व्हेन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कॉपर. अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं क्या है. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है, समझ रहे. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कहां पर है, ऊपर है, और कॉपर कहां पर है, नीचे है. तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड से नीचे है, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस. तो इसको ये डिस्प्लेस नहीं करेगा यहाँ पर. समझे, कॉपर वेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पर नीचे है पोजिशन में, तो कॉपर कैन नॉट, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. यहाँ से एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. जब नहीं कर पाएगा तो वी कैन से नो रिएक्शन अकर, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी. सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ पोर ऑन कॉपर एंड प्ले. आंसर इज दैट बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट, आयरन नेल्स आर प्लेज इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. नेक्स्ट कहता है कि आयरन नेल्स वर्ल्ड इक्वेशन बनानी है. ठीक है, आयरन नेल्स आर प्लेज इन कॉपर सल्फेट. अब देखेंगे एक सोल्यूशन बना दिया कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, दिस इज द कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, कैसे कलर का, ब्लू कलर का सोल्यूशन बना लिया, पाउडर की फॉर्म होता है ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का पाउडर है, उसको हमने उसमें डिजोल्व कर लेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इसका फॉर्म होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट. अब हमने क्या करा, इसमें एक लोहे की कील डाल दी, ये मैंने एक्टिविटी आपको समझाई थी, कील डाल दी, उसे छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए. तो आफ्टर सम टाइम 5 to 6 आवर्स के बाद आपने क्या देखा, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो गया, ग्रीन. ठीक है, और ये जो आपने आयरन नेल डाली है इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, दैट इज द कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर. ब्राउन कलर, ब्राउन कलर की हो गई, दिस इज द कोटिंग ऑफ कॉपर. किसकी कहलाएगी, कॉपर की कोटिंग है. कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, कॉपर की कोटिंग डिपॉजिट. हमने क्या देखा, कील का कलर कैसा हो गया, जो आयरन नेल का कलर हो गया ब्राउन, इट मींस ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, दैट इज ऑफ कॉपर. एंड द सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन, ग्रीन हो गया, इट मींस रिएक्शन इज दैट. ग्रीन क्यों हुआ इसको देखते हैं, ये ग्रीन क्यों हुआ, रिएक्शन क्या है यहाँ पर देखते हैं. आपने लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, समझ रहे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट यहाँ लिया. तो आप देख रहे हैं आयरन की पोजीशन, रिएक्टिविटी सीरीज अगर मैं देखूं तो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से, इट मींस कॉपर इज बिलो इन द सीरीज, सो इट इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू आयरन, सो इजली आयरन इज मोर रिएक्टिव. यहाँ पे आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, सो इट कैन इजली डिस्प्लेस इट. तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा. समझ रहे, कॉपर अलग हो गया, इट मींस कि यहाँ पर आयरन सल्फेट है ये. ठीक, आयरन सल्फेट बन गया, यानी आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन. यही कारण है कि यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा दिखाई दिया, ग्रीन कलर का इस एक्टिविटी में, इट मींस ग्रीन कलर सॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ आयरन सल्फेट. किसी कारण है ये, आयरन सल्फेट के कारण. ठीक है, ये बन गया आपका. आगे देखते हैं, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब. इसने क्या कहा, इन अ टेस्ट, इसने कहा एक बर्निंग चारकोल, एक चारकोल का पीस लिया बर्न करता हुआ और उसको उसने कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन टेस्ट ट्यूब. हाउ विल यू शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, बताओ गैस के नेचर को कैसे देखेगी. एक चारकोल का पीस है और उसने एक बर्निंग जलते हुए चारकोल के पीस का जो धुआं निकलेगा उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. ये धुआं है, ठीक है, स्मोक है. तो कार्बन, चारकोल मतलब कार्बन, याद रखेंगे चारकोल का मतलब होता है कार्बन, चारकोल है, चारकोल मतलब कार्बन है. ठीक है, व्हेन इट बर्न विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेगा इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो धुआं है दिस इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है। अब इसने कहा कि हाउ शी विल फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, मैंने आपको बताया था गैस है तो इसका मतलब आपको पानी में डिजोल्व करनी पड़ेगी, तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर डाल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे वाटर, इसमें ऐड करेंगे वाटर, तो ये जब इसको ऐड करेंगे वाटर और शेक करेंगे तो ये कंडेंस हो जाएगी गैस इसके साथ, तो आप देखें कैसे होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें मैंने ऐड किया पानी, तो जब इसको शेक करेंगे तो गैस इसमें कंडेंस हो जाएगी एंड फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगी दैट इज ऑफ H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है वो? कार्बोनिक एसिड, क्योंकि बिकॉज देखिए कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बोलते हैं इसको कार्बोनिक एसिड, ठीक है कार्बोनिक एसिड का, एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस टू रेड, आपका जो ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सो वी कैन से, ठीक है ना। ये हो गए सारे क्वेश्चन आपके, ये नहीं करना है, रहने देंगे इसको बाहर, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, फ्रॉम टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।